इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए पैकिंग फ्रैक्शन। आइए समझते हैं एग्जैक्ट मास एंड एटॉमिक मास नंबर के डिफरेंस, एंड एटॉमिक मास नंबर का जो रेशियो होता है वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। जहाँ पर कैपिटल एम है एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड कैपिटल ए है एटॉमिक मास नंबर। तो एग्जैक्ट मास एंड एटॉमिक मास नंबर की डिफरेंस टू द एटॉमिक मास नंबर इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एफ। ऑलवेज रिमेंबर, अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव होता है ऐसे न्यूक्लियस के लिए जिनका एटॉमिक मास नंबर 20 से कम होता है। ऐसे जितने भी न्यूक्लियस हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर 20 से कम है उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन एफ पॉजिटिव होता है, और जिनके एटॉमिक मास नंबर 180 से कम एंड 20 से ज़्यादा हैं, एटॉमिक मास नंबर 180 से कम एंड 20 से ज़्यादा, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है। एंड 180 एटॉमिक मास नंबर जिसकी ज़्यादा होते हैं उसके लिए एफ पॉजिटिव होता है, और कार्बन 12 के लिए पैकिंग फ्रैक्शन जीरो होता है। थैंक यू।